न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 6 दिसंबर को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क, एसएसपी ने कहा जिले में बढ़ाई गई विशेष सतर्कता। महानगर के नजूल और खाली पड़े जमीनों का डीएम ने किया निरीक्षण, खाली जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश। रेलवे स्टेशन स्थित एक होटल से शातिर अपराधी सद्दाम को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। 32 बोर का एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, 2 पासपोर्ट, 2 एटीएम, 2 पासबुक, 2 चेक बुक सहित 77,420 रुपया बरामद। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सर्कल प्रभारियों की बैठक, अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी बैठक, एसएसपी भी रहे मौजूद। डीएम ने कहा 8 दिसंबर तक करें अपनी तैयारी पूरी। एएसपी ने की ऑटो चालकों के साथ बैठक, कहा महानगर में लगने वाले जाम से निजात दिलाने में ऑटो चालकों की हो सकती है महती भूमिका। सड़क सुरक्षा नियमों और संकेतों के बारे में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के छात्रों को आरटीओ ने दी जानकारी, यातायात नियमों के प्रति छात्रों को दिलाई शपथ। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी को देखते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने पैडलेगंज रोड पर अतिक्रमणकारियों को हटवाया, दोबारा अतिक्रमण होने पर दंडात्मक कार्रवाई की दी चेतावनी। समाजवादी पार्टी ने नगर निगम से कैंडल मार्च निकालकर शहीद को दी श्रद्धांजलि, रखा 2 मिनट का मौन। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 4 जिलों के छात्र छात्राएं करेंगे प्रतिभाग। चयनित छात्र छात्राओं को आगरा में आयोजित प्रदेश स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने का मिलेगा मौका। महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय की छात्राओं को 40-10 के अंतर से हराया। और जीसीए के अंडर 16 इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग के फाइनल में पहुंची कुशीनगर की टीम, सेमीफाइनल मैच में संत कबीर नगर को 43 रनों से हराया।